अबे यार आज भी पानी खत्म, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में जी रहा हूँ। अबे तो कल नहा ले, आज पानी गंदा मत कर और जल्दी चल, नहीं पिक्चर लगी है, टाइम खोटी मत कर। बिना नहाए जाऊंगा तो बास के बारे पब्लिक भाग जाएगी। ना के भी तू बास ही मारता है, कपड़े पहनो जल्दी। ए चल रे, चल सूरी, आज जल्दी आना। अबे 100 रुपए के चक्कर में बुढ़ा लेट करा दिया। समझ गया, मतलब उसने तुझे भी बेवकूफ बना दिया। नहीं, मैंने उसको बेवकूफ बनाया, 100 रुपए लेकर आया हूँ। आज दारू तेरी तरफ से। अच्छा अच्छा चल जल्दी। और देसी नहीं, इंग्लिश चाहिए। वो देखा, भाभी अपना पूरा गैंग लेके आ गई है। क्या चुहा मीटिंग चल रही है तुम लोग की? भाभी आई है रे। तेरी भाभी? जिसने तेरी नींदें उड़ा रखी है। बहुत देर से देख रहा हूँ, शायद तेरी तलाश कर रही है। देख रहा है? अरे तो जाके बात करना। अरे ये खाक बात करेगा? बात करने के लिए मेरी तरह गुर्दा चाहिए। हाँ। जिगर में दम चाहिए। अच्छा अभी दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना शांति आज नहीं आएगी। हाँ, आज भी रोहित के साथ घूमने गई होगी। नमस्ते जी। हाँ, हाँ। मुझे तो लगता है उन दोनों ने मूवी देख भी ली होगी। क्या है, कौन हो तुम? वो बस स्टॉप। हाँ मुझे पता है, तुम मुझे बस स्टॉप पे रोज देखते हो। तो क्या उस दिन बस में तुम्हें देख के मुस्कुरा दिया तो तुम पीछे ही पड़ गए? मैं भी यही कह रहा था, लेकिन ये गधे समझते नहीं है, अलग ही खिचड़ी पका रहे। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इन्हें और बेवकूफ बनाते हैं। मतलब? समझाता हूँ, बस ऐसे ही बातें करती रहो। पागल हो गए हो क्या तुम? खुद को समझते क्या हो? और मैं तुमसे बात क्यों करूँ? लगता है भाई की बैंड बज गई, भाभी का मूड ऑफ लग रहा है। अबे मोटे, उसने तो पटा लिया, तेरा गुर्दा फेल हो गया। थैंक यू। ये किस लिए? मुझसे इतनी देर बात करने के लिए, ताने मारने के लिए। अब दोस्ती हो गई है तो नंबर मिल सकता है? ए हेलो, तुम फ्रेंड्स को बेवकूफ बनाने आए हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? कैसी बातें कर रही हो? असली नंबर मत दो, कुछ भी लिख के दे दो, कम से कम इज्जत रह जाएगी मेरी। हा? तुम्हें लगता है कि वो गधे हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा? हाँ वो तो इनकी शक्ल पर लिखा है। कैसे हो गया? अब चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। सलाम मैडम। छोड़ो चले दो। भाभी पट गई। इस पर्ची में फोन नंबर है, इस पर नजर मत लगाना। कुछ सीख इससे, एक हफ्ते में पटा लिया और तू है कि? अबे जो फटाफट बन जाए उसे झोपड़ी कहते हैं, ताजमहल बनने में सालों लगते हैं। अबे जल खुकड़े, जो भी हो बाजी तुम्हारी ना, अब काम पे लगो, सारी टिकट बेच दो। अरे इससे लड़की क्या पड़ गई, दोस्तों को हुल दे रहा है। हेलो, आप कौन? वो टिकट थिएटर, सॉरी रॉन्ग नंबर। पता था तुम मुझे अपना रॉन्ग नहीं राइट नंबर दोगी। पता चल गया ना, अब रखो। हाँ पता चल गया, रॉन्ग नंबर तो मिल गया, अब बस नंबर वाली चाहिए। ये क्या लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस वो कह रहा हूँ जो मेरे दिल में था। अरे फोन छोड़ के दूध पी। पी रही हूँ ना, मार क्यों रही हो? वैसे अपना नाम देवा है। ओहो, थिएटर के बाहर जो टिकट ब्लैक में बेचता है उसका इतना अच्छा नाम कैसे? अपना नाम तो बताओ। अपना नाम इतनी आसानी से तो नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। ओह, खेल रही हो? सुनो, अगर मैंने तुम्हें गलत नंबर दे दिया होता तो? बस का नंबर थोड़ी रॉन्ग होता, बस स्टॉप में या बस में बात कर लेता। अगर ये फोन पापा उठा लेते तो? तो उनसे रिक्वेस्ट करता कि रोज सुबह अपनी बेटी को जल्दी बस स्टॉप छोड़ दिया करो, इंतजार नहीं होता। ओ अच्छा, तो खुद ही बात कर लो। पापा फोन। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? वो अब आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नहीं, हमारे टूथपेस्ट में कोई नमक नहीं है। पर ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे नहीं है, कंपनी का नमक खाओगे तो नमक हलाली करनी पड़ेगी ना। चलो रखो फोन। अरे कौन था ये गधा? चल मैं निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना। बोल क्या हुआ? आज फिर से रेगिस्तान में सूखा पड़ा हुआ है, पानी आज भी नहीं आया। ये पानी का अकाल क्यों पड़ रहा है? कॉर्पोरेटर के यहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, सारे टैंकर उसे के यहाँ गए हैं। अमीर और गरीब इंसान में यही फर्क होता है, वहाँ पर देख। अपनी प्यास पे किसी और का कब्जा होने नहीं दूंगा मैं। चलो रे। चल चल जल्दी चल। अरे अरे चल ना, सामने
आजा आजा, पानी ले लो। झगड़ा मत करना, आराम से लो। तुझे हमारी मदद के लिए भगवान ने भेजा है बेटा, वरना हम तो पानी के लिए तरस जाते। बस काकी, तुम आशीर्वाद देती हो। काकी, सारा आशीर्वाद देवा को और मुझे कुछ भी नहीं। मेरी उम्र लग जाए बेटा। जाओ जाओ, पानी भर लो, लाइन से लेना। कमाल कर दिया भाई। भर गया। अरे भर गया तो मुझे देना। हो गया ना? चल चल। बस्ती वालों की प्यास बुझाने के लिए हम टैंकर तो ले आए, लेकिन उसके पीछे पीछे कॉर्पोरेटर के आदमी हमारे खून की प्यासे हो गए। क्या है बे, इधर क्या लेने आया? क्या रे, टैंकर तेरे बाप का था जो कॉर्पोरेटर के यहां से उठा के ले आया? नहीं रे, तेरी माँ के दहेज में आया था इसलिए ले आया, और कल फिर लाएंगे। हाँ, ए, खाली फोकर झगड़ा मत कर। ए, तेरा टैंकर पीछे खड़ा है, जा लेके जा उसे। वो तो हम ले लेंगे, लेकिन इसने हमसे टकराने की जो जरूरत की है उसका हिसाब करने के बाद। अपन ने सुना था कि पूरी दुनिया पानी के लिए लड़ेगी, और आज देख भी लिया। शहर की एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ पहाड़, और बीच में कुछ घटिया लोग जैसे कि एमएलए मुरली। शराब प्रतिबंध के बावजूद एमएलए मुरली शराब में नहा रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा इसने मेरी कलर फोटो छापी है। यह देख, इसे एक बात बता कि ये जो सच है ना, बहुत कीमती होता है, इसे इस तरह बर्बाद ना करें। रिपोर्टर के रूप में तुझे वाइजैक की फिक्र है तो मैं भी एमएलए हूँ, एमएलए मुझे फिक्र ना होगी। हैं, तू वाइजैक के हालात पर रिपोर्ट बनाता है, और जिसे तो गुंडा कहता है वो यहाँ की तकदीर बनाता है। अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो तेरे सारे इल्लीगल धंधे और तेरा साम्राज्य में सब खत्म कर दूंगा। अबे बात कर रहा ना वो, क्यों उंगल कर रहा है? चल ठीक है, मैं इसमें नहीं पड़ता, ये ले पकड़ा। ए, तो जिंदा रहेगा तभी तो कुछ करेगा, तेरे भाग में मरना लिखा है। सर, टैंकर की वजह से हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। इतिहास मत सुना, क्या करना है ये बता। सर सर सर, हम लोग दोस्त है, झगड़ा झगड़ा खेल रहे थे सर, जाने दो ना प्लीज। क्या रे, मेरे को येड़ा समझा क्या? उधर कबड्डी खेल रहा था। अरे एक ही लॉकअप में बंदे फिर भी लड़ने रहे तो दोस्ती हुए ना। अबे तुझे जेल के अंदर घर बसाना है, बोलना तू भी। हेलो, कौन? तेरे सामने हड्डी इसलिए फेंकता हूँ ताकि तू मेरे लोगों को काटे ना। जिन लोगों को तूने अरेस्ट किया है वो कॉर्पोरेटर के आदमी है, छोड़ दे उन्हें। ठीक है सर, छोड़ता हूँ। तुम में से मुरली भाई का आदमी कौन कौन है? मैं माँ कसम मैं ही हूँ सर। सर ये झूठ बोल रहा है, मैं हूँ। सुन, जाने दे उन लोग का। ओके सर। छूट गए। अरे अरे, ये हमारे साथ है सर। सर, मेरी बूढ़ी बहन और रिद्वा माँ अकेली है, उन्हें पता नहीं है मैं यहाँ हूँ। मैं घर जाके बता दूंगा, तू अंदर जा। ए, बंद कर इसे। ए, चल। अरे नहीं, मेरी बूढ़ी बहन से हाय लगेगी तुझे। घर पे जाना है। इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलना।
छोड़ दो ना लोग को। नहीं खोलूंगा। तो एक कागज और कलम दो। वो क्यों? प्रेसिडेंट से माफी मांगने का मेरे को। अरे यार तुम लोग फांसी पर नहीं चढ़ने वाले हो। ओ तो जज से मुलाकात नहीं होगी? अच्छा तेरे लिए वो जज फालतू बैठा है। एक तो वैसे ही उस पे दुनिया भर का लोड रहता है, तुम्हारा लोड लेगा तो कब्र में दफन हो जाएगा। तो फिर आप क्यों हमारा लोड ले रहे हो सर? हमें छोड़ दो ना प्लीज। सर ये लोग दिमाग का दही कर रहे हैं, इससे पहले कि दही वड़ा बन जाए भगा दीजिए। एक काम कर, तू इन पांचों से दही वड़ा के खर्चे निकलवा ले फिर भगा दे। फोकट में भेजेगा ना तो आदत पड़ जाएगी। जेब में कितना पैसा है? 100 रुपया। तेरी जेब में? 100 रुपया। ठीक है सब 100 रुपया निकालो और दफा हो जाओ। वो तो इसको उधार दे दिया। वो 100 रुपए मैंने इसको दिया और मैंने इसकी बूढ़ी बहन को दे दिया। तुम चारों को पैसा देना है तो दो, नहीं तो इधर ही सड़ो। गलत लाइन में आ गए भाई, सट्टा बाजार में होना चाहिए था। टाइम खोटी मत कर। अब ठीक है कल सुबह छोड़ दूंगा। ज्यादा शाड़ पत्नी की ना तो 5-10 साल इधर ही सड़ते रहोगे। फोकट या बंद करो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना। ओए तेरी बीवी भाग गई है क्या? तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम हंस के तो दिखा। चौथी शादी के चक्कर में मुझे जेल में डाल दिया। ओ तेरी, हम चार लोग एक शादी के लिए तरस रहे, तू चार चार करके बैठा है। कल ससुराल जाने वाला था और ये लोग मुझे हवालात ले आए। अबे भूतनी के हवालात को भी तो ससुराल बोलते। बस तेरी बीवी यहाँ नहीं, पड़ोस में। मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मैं तो भगा के ले जाता। अबे ढीले नाड़े। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी वाली तो है घर पे, मैं नहीं भगा रहा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मेरी वाली जैसी है, पैक कर धोखा देगा उसको। चलो अच्छा हुआ सस्ते में छूट गए। यार आज पीने का बहुत मूड हो रहा है। ये ले सूरी, खंबा लेकर आना। ठीक है। ए देवा, तूने दारू के लिए सूरी को पैसे क्यों दिए? अब देखना वह सारे पैसे जुए में उड़ा देगा। दारू के मामले में बहुत पक्का है वो। सब मुझे नहीं मालूम, बस मुझे दारू कम नहीं पड़नी चाहिए। चले बस कर, सामने देख, अपने दिलों की रानी अपने को ढूंढ रही है। क्या हुआ पुलिस स्टेशन में, तुम्हारी ठीक से खातिरदारी हुई या नहीं? जम के हुई। बता बे क्या क्या खाने को मिला? लात घुसा सब बता दूं? वो तो तू खाया ना, ये इसमें एक्सपर्ट है। मुझे अच्छी तरह पता है पुलिस वाले ने जम की धुलाई की होगी। मैडम कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने को हाथ लगाए, तुम लगाना चाहो तो लगा सकती हो। इसका बोरिंग लेक्चर सुनने से अच्छा है कि हम कॉलेज जाके लेक्चर अटेंड कर ले। चल कमला कमला, मुझे देखकर मन में लड्डू फूटा। तुम्हें फिर से देखकर टेंशन हो रही है। इसको बोलते भिगो कर सैंडल मारने का। दिल भर गया, चल दारू पिलाता। पता भी। अबे कितनी देर लगा दी, दारू लेने बैंकॉक गया था क्या? अरे वो पुलिस वाला पीछे पड़ गया था। क्या बे, तेरे को खंबा लाने को बोला था, तू आधा लेकर आ गया? जो मिल रहा है पी ले, बाद में ये भी नहीं मिलेगा। पानी की तरह इसकी भी कटौती हो रही है क्या? यहाँ अब दारू बैन हो गई है। मतलब? मतलब अपना स्टेट अब ड्राई स्टेट हो गया है। तो तेरा मतलब दारू के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा? यहाँ भी खरीद सकते हैं लेकिन ब्लैक में लेना पड़ेगा। ये कुछ कुछ टिकट ब्लैक जैसा ही है, मतलब दूसरे स्टेट से सस्ते में खरीदो और यहाँ महंगे में बेच दो। धंधा तो फायदे का लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई, रोज पियो रोज बेचो। और पियेंगे नहीं, सबको पिलाएंगे।